जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तो ये सारे गुणातीत के लक्षण बताए हैं कि कैसा गुणातीत व्यक्ति होगा। तो इसे आज ओशो ने हमें आज के प्रवचन में उसके रहस्य को खोला है, इसे हमें समझाया है, हमारे लिए बोधगम्य कराया है और अपनी मनोवैज्ञानिक दृष्टि दी है। तो जो भी इसमें समता भाव को आज हम अगर लें, इसका पूरा सार निचोड़ समता भाव ही आ रहा है। तो समता भाव को अगर हम लें तो परमात्मा को जिसे भी पाना है उसे परमात्मा जैसे होना पड़ेगा, और परमात्मा समता है, सम है, परमात्मा विषम नहीं है, संतुलन है, असंतुलन नहीं है, एब्सोल्यूट बैलेंस, सारी चीजें सम है परमात्मा। वहां कोई लहर ऐसी नहीं है जो विषमता लाती हो, ठीक ऐसे जैसे कि तराजू है और तराजू के दो पलड़े हैं और ये दोनों पलड़े जो हैं इनमें कोई कंपन नहीं बचा, सद गए, एक जगह पर आ गए। और ऐसे जैसे कि कोई वीणा का तार, कोई सितार बजाए, कोई तानपुरा बजाए, तो उसकी उसको जो बैलेंस चाहिए, उसको जो मिलाना कहते हैं, वो एकदम एक सा हो गया जिससे कि संगीत निकल रहा। अगर बेसुरे हुए तो उसी उन्हीं तारों से संगीत नहीं निकल सकता, ढीले हो तो भी नहीं, कसे हो तो भी नहीं, बिल्कुल बराबर। तो जिसको भी परमात्मा को पाना है उसको समता की तरफ बढ़ना होगा। और कोई सोचे कि मैं विषम रह जाऊं और परमात्मा को पा लूंगी, तो ये संभव नहीं, असंभव है। इसलिए जो आदमी काम में, क्रोध में जीता है, घृणा में जीता है, ईर्ष्या में जीता है, और वो सोचे कि वो परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगा, मोक्ष घटित हो जाएगा, गुणातीत हो जाएगा, नहीं संभव। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे मन को उत्तेजित कर रही है, विषम कर रही है। तो हमें ढूंढना है क्या चीज हमारे मन को हमारे भीतर समता ला रही, सम कर रही है, करुणा। करुणा में हम सम ही हो सकते हैं, प्रेम में, क्षमा में, दान में, दया में, ये सारी चीजों में। और क्योंकि दान और क्षमा और करुणा जब ये भीतर है तो हमारे भीतर समता आने ही वाली है। क्या कभी हमने ख्याल किया है कि जब हम लोभ से भर जाते हैं तो भीतर क्या होता है? भीतर लहरें नहीं उठती, भीतर का संतुलन नहीं जगमगा जाता, सारे पलड़े जैसे नीचे ऊपर हो रहे हैं, लहरें उठ गई हैं। तो अधर्म की अगर कसौटी मानना है, हमें देखना है कि क्या है धर्म, क्या है अधर्म, क्या है जिससे उत्तेजना आती है, जिससे विषमता आती है, वो अधर्म है। और धर्म क्या है? जिससे भी संतुलन आता है, ऐसी घड़ी आ जाए हमारे भीतर कि संतुलन आ गया, दोनों हृदय के दो पलड़े जो हैं वो एकदम ठहर गए, कोई भी पलड़ा नहीं चाहिए, किसी पर ज्यादा वजन नहीं। और भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि उसी क्षण से परमात्मा से एक रूपता शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं है। हमारा मन कहीं ना कहीं झुका ही हुआ है, किसी ना किसी के पक्ष में, किसी ना किसी के किसी ना किसी वृत्ति में, अपने भीतर की लोभ में, वासना में, कहीं ना कहीं किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में, हम किसी के खिलाफ झुके रहते हैं, किसी के आकर्षण में जाते हैं या विकर्षण में जाते हैं, सदा ही झुके हैं। 24 घंटे ये हमारा झुकाव बदल रहा है, हमें मालूम नहीं कि कब किस तरफ हम हमारा जो पलड़ा है झुक जाएगा। हमारी जो भीतर की दशा है, मन की, चित्त की, वो कह लो कि हमेशा विषम है और ये परमात्मा की तरफ नहीं ले जा रही।
ऐसे समझ लो कि जिसको भी प्रभु की यात्रा करनी है उसको 24 घंटे एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे भीतर समत्व समभाव बढ़ रहा है या नहीं। याद रखना, ऊपर से नहीं, ऊपर से दो आदमी एक जैसे दिखाई दे सकते हैं लेकिन भीतर समता नहीं हो सकती। बाहर से नाटक हो सकता है लेकिन भीतर से हो सकता, बाहर से आदमी कुछ और दिखाई दे, जैसे कृष्ण, भगवान कृष्ण हाथ में चक्र सुदर्शन, बाहर से तो विषम लग रहा है लेकिन भीतर उनके समता है। अब जैसे कोई आदमी बगीचे की तरफ जाए और सोचे कि गर्म हवा आ रही, ऐसा नहीं होगा। बगीचे की तरफ जैसे आएगी वहां खुशबू आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी, शीतलता एक प्रवेश करने लगेगी, सुगंध आने ही लगेगी। और ऐसे भीतर अगर समता भाव आने लगे तो समझना होगा हमें, जान लेना होगा हमको कि हम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक एक पहचान है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, धर्म की ओर जा रहे हैं या अधर्म की ओर जा रहे हैं, अपने स्वभाव की ओर जा रहे हैं या परभाव की ओर जा रहे हैं, अपने स्वरूप की ओर जा रहे हैं या अपने से दूर जा रहे हैं। तो यही मतलब है कि जब हम हमारे भीतर विषमता आने लगे तो स्वरूप से बहुत दूर निकल गए, परमात्मा से पीठ कर लिया, बहुत दूरों दूर। तो भगवान कृष्ण कहते जो समत्व को उपलब्ध हो गया है वो परमात्मा से एक हो जाता है, और जब कोई परमात्मा से एक हो जाता है तो अब उसको कोई भेद नहीं लगता, चाहे घोड़े में, चाहे गाय में, चाहे हाथी में, सब में वो परमात्मा को ही देखता है। ये सारे नाम भगवान कृष्ण ने गिनाए हैं। एक्चुअली हम दूसरे में वही देखते ना जो हमारे भीतर होता है, लेकिन जब हमारे भीतर हमने परमात्मा को देखना शुरू कर दिया हमें, और समता भाव आ गया, ये इसकी निशानी है, तो फिर बाहर हमें प्रभु ही दिखाई देगा। तो साधना इसके लिए क्या करनी, साधना ये करनी है कि हमको लगातार पहली बात ये पहला सूत्र है साधना का कि हम समता की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। दूसरा सूत्र, साधक जो है वो हमेशा इसी प्रयास में रहे कि दूसरे के भीतर कोई शुभ चीज देखे, क्योंकि देखो हमारा जो मन है, हमारा जो अहंकार है, अपने भीतर बुराई नहीं देखता, अपने भीतर तो हमेशा अच्छा ही दिखता है, जस्टिफाइड रहता है वो, हर बुराई के लिए भी एक अच्छी जस्टिफिकेशन रहती है, लेकिन दूसरे के भीतर मुश्किल है शुभ देखना, अच्छाई देखना, बुराई ही देखते हैं। एक फकीर हुआ है मिला रेपा, उनसे तो कोई कहता था कि धार्मिक और अधार्मिक आदमी का क्या लक्षण है, तो वो एक ही बात कहते थे। अगर हम किसी को कहते हैं कि एक व्यक्ति है गांव में, मेरे एक व्यक्ति है और वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, तो कोई आदमी जो अधार्मिक है वो कहेगा छोड़ो क्या खाक बांसुरी बजाएगा, वो तो चोर है, चोरी करता है। तो मिलारेपा कहेंगे ये आदमी अधार्मिक है जिसने उसके भीतर चोरी देख ली, और एक व्यक्ति जो कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, वो व्यक्ति इतनी मीठी, इतनी अच्छी बांसुरी बजाता, चोरी नहीं कर सकता, ये असंभव है, ये व्यक्ति धार्मिक हुआ कि दूसरे के भीतर उसने शुभता देखी, उसने चुनी बांसुरी, उसने चोरी नहीं चुनी। अब उससे चोर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारे भीतर फर्क पड़ने वाला है। जब हम दूसरे में चोर देखेंगे तो हमारे भीतर विषमता आएगी, और जब हम किसी के भीतर बजते हुए बांसुरी को पकड़ेंगे, किसी के भीतर शुभता को पकड़ेंगे, उसकी क्षमता को पकड़ेंगे, उसकी सृजनशीलता को पकड़ेंगे, तो हमारे भीतर समता भाव आएगा। तो याद रखना, जब भीतर समता अगर लाना हो तो बाहर शुभ देखना शुरू कर देना, अनिवार्य है ये, इससे अन्यथा नहीं हो सकता। और भीतर विषमता लानी हो तो इससे उल्टा करना, बाहर अशुभ देख लेना। हर जगह यू आर नॉट जस्टिफाइड, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो, हर जगह व्यक्ति को गलत ही दिखाई देगा, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी उसे गलती ही दिखाई नजर आ जाएगी। तो क्या करना है साधना, बाहर अशुभ देखना छोड़ते जाए। ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी पर कोई बुरा आदमी नहीं है या बुराई नहीं है, लेकिन इससे हमारे भीतर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम शुभ देखना शुरू करेंगे तो हम भीतर हमको समता लानी है तो शुभ का ही दर्शन करना होगा। और याद रखना, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके भीतर एक भी अच्छाई ना हो, बुरा से बुरा आदमी भी ऐसा नहीं कि उसमें कोई अच्छाई ना हो,
देखने की बात है, दृष्टि की बात है। और ऐसा कोई अच्छा आदमी नहीं जिसमें एक बुराई ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक क्षण के लिए कृष्णत्व में ना जाता हो, और ऐसा कोई कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, और ऐसा कोई कृष्ण ऐसा नहीं है जो जिसके भीतर एक क्षण को ऐसी घटना घटे। तो भीतर समता लानी है तो शुभ का दर्शन करना होगा, और जितना हम शुभ का दर्शन करेंगे हमारे भीतर समता घनीभूत हो जाएगी। भीतर समता आत्मभाव और बाहर शुभ देखना, ये दो सूत्र है, और इन दोनों सूत्रों को अगर हमने साध लिया तो हम प्रभु से दूर नहीं है, हम प्रभु में स्थित और प्रभु रूप ही हो जाएंगे। इसके लिए रहना आठों पहर होश में, रहना आठों पहर होश में, राहे हक का सफर होश में, रहना आठों पहर होश में, मन के जंजाल में उलझा संसार है, आ जरा बेखबर होश में, दूसरा है कहाँ जिसमें देखो वही, रब ही आता नजर होश में, जो भी दिखता यहाँ जो भी होता यहाँ, है प्रभु की लहर है उसी की लहर, होश में आ जरा बेखबर होश में, मंजिले रूह की जानो दिल जिस्म की, साफ आती नजर होश में, देखो आकारों में और निराकार में, एक ही है लहर होश में, एक ही है लहर होश में, एक ही है लहर होश में, रहना आठों पहर होश में, राहे हक का सफर होश में, रहना आठों पहर होश में।